आप नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को मिली जमानत के बाद शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा। संजय राउत ने कहा, एक व्यक्ति को किस तरह से छल कपट से जेल में डाला जाता है, 17 महीनों तक उसे जमानत नहीं लेने देते, उसके अधिकारों को हनन करते हैं। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने कहा, मैंने भी यह वेदना सही है। मनीष सिसोदिया के पास से एक पैसा जब्त नहीं किया गया है, उनके यहाँ से एक पैसा नहीं मिला, भाजपा मनी लॉन्ड्रिंग की बादशाह है। संजय राउत ने इस दौरान ईडी और निचली अदालत पर भी निशाना साधा। वो बोले, ईडी और निचली अदालत कानून से काम नहीं करती, अनिल देशमुख हो या संजय सिंह हो, बहुत लोगों को हमने देखा है। आप नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को मिली जमानत के बाद शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा। संजय राउत ने कहा, एक व्यक्ति को किस तरह से छल कपट से जेल में डाला जाता है, 17 महीनों तक उसे जमानत नहीं लेने देते, उसके अधिकारों को हनन करते हैं। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने कहा, मैंने भी यह वेदना सही है। मनीष सिसोदिया के पास से एक पैसा जब्त नहीं किया गया है, उनके यहाँ से एक पैसा नहीं मिला, भाजपा मनी लॉन्ड्रिंग की बादशाह है। संजय राउत ने इस दौरान ईडी और निचली अदालत पर भी निशाना साधा। वो बोले, ईडी और निचली अदालत कानून से काम नहीं करती, अनिल देशमुख हो या संजय सिंह हो, बहुत लोगों को हमने देखा है।